नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हीना। गुजरात के सूरत जिले की कोर्ट ने एक बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई। क्या था मामला, आइए देखते हैं अंदर की बात में। गुजरात के सूरत में लगभग दो साल की एक मौसम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। सूरत की कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि दोषी ने दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। आज सूरत ना छठा एडिशनल सेशन जज श्रीमती शकुंतला बेन एन सोलंकी आरोपी इस्माइल यूसुफ आजाद ने इंडियन पिनल कोड की कलम 300 ए बी एमा अने पोक्सो एक्ट हेठळ कसूरवार ठेरवा छे अने आरोपी ने फांसी की सजा संभळावी छे। ए उपरांत 1,000 रुपया दंड नो हुकम कर्यो छे। ए उपरांत इंडियन पिनल कोड की कलम 363-366 हेठळ आरोपी ने आजीवन कैद की सजा अने 1,000 रुपया नो दंड फरमायो छे अने विक्टिम कॉम्पेन्सेशन स्कीम हेठळ भोग बननारना परिवार ने, भोग बननारनो परिवार खूब ज गरीब परिवार माथी आवे छे, ए लोकोने कंईक दिलासो मळी रहे, दिलासा रूपनुं जे विक्टिम कॉम्पेन्सेशन स्कीम हेठळनुं वर्तर छे ते 10 लाख रुपया वर्तरनो हुकम आजे कर्यो छे। बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला कपलेटा इलाके का है। जानकारी के मुताबिक ये मामला करीब 5 महीने पुराना है। आरोपी ने 1 साल 9 महीने की उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। इसी साल 27 फरवरी को आरोपी बच्ची के घर आया और उसे खिलाने के बहाने ले गया। जब बच्ची देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने बच्ची की तलाश की और घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई। इसी दौरान बच्ची का शव बंद घर के परिसर में मिला। मामले का पता चलने के बाद आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 5 महीने के अंदर ये मामला सूरत की कोर्ट में चल गया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। इस घटना में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट।